आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। दुनिया के नक्शे पर उत्तर प्रदेश की आगरा का सुर सरोवर वेटलैंड शामिल हो गया है। इसका चयन रामसर साइट में कर लिया गया है। ये वेटलैंड स्पॉटेड ईगल और राजपक्षी सारस का प्राकृतिक वास है। सुर सरोवर रामसर साइट घोषित होने वाला प्रदेश का 8वां वेटलैंड बन गया है। सुर सरोवर के नाम से प्रसिद्ध कीठम झील में 60 प्रजातियों की मछलियां व दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में पाए जाने वाले ग्रे लेग गूंज पक्षी की चहचाहट यहां हमेशा सुनाई देती है। कीठम झील में प्रतिवर्ष 30,000 जलीय पक्षी आते हैं। सुर सरोवर का रामसर साइट घोषित करने के उपरांत इस क्षेत्र में पर्यटकों के आकर्षण में वृद्धि होगी, पर्यटन को प्रोत्साहन भी मिलेगा। इसके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए तकनीकी सहयोग आर्थिक मदद भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मिलेगी, जिससे ताज नगरी का गौरव एक बार फिर और बढ़ेगा। रामसर साइट में आने के बाद इस वेटलैंड की अंतर्राष्ट्रीय जगत में ब्रांडिंग होने लगेगी। इससे देश के ही नहीं बल्कि विदेशों के भी पर्यटकों की आवाजाही यहां बढ़ जाएगी, जिससे न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अभी तक प्रदेश के 7 वेटलैंड नवाबगंज पक्षी विहार, पार्वती, अरंगा, गोंडा, समान पक्षी विहार मैनपुरी, रामसपुर पक्षी विहार रायबरेली, सांडी पक्षी विहार हरदोई, सरसई, नावर एवं ऊपरी गंगा का ब्रजघाट से नरोरा तक का भाग रामसर साइट के रूप में अधिसूचित किया गया है। सुर सरोवर प्रदेश का 8वां वेटलैंड है, जिसे रामसर साइट घोषित किया गया है, जिसे ताजनगरी को एक अलग पहचान भी मिलेगी। अनिल, सी न्यूज, आगरा।